राजधानी के बी2 बाईपास चौराहे पर नवनिर्मित क्लोवर लीफ पर यातायात शुरू कर दिया गया है और इसी के साथ ही ये चौराहा शहर का तीसरा ऐसा जंक्शन बन गया है जिसे पूरी तरह ट्रैफिक सिग्नल फ्री किया गया है। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की इस पर खास रिपोर्ट। जयपुर शहर के बी2 बाईपास चौराहे को ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने के लिए वर्ष 2022 जनवरी में 155 करोड़ रुपए की लागत का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जारी कार्यादेश के अनुसार ये प्रोजेक्ट इस जुलाई 2023 में पूरा किया जाना था, लेकिन प्रोजेक्ट में काम अधिक होने, समय पर आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं होने, पेयजल और सीवर की बड़ी लाइनों की शिफ्टिंग के कारण ये प्रोजेक्ट 2.5 साल बाद अब जाकर पूरा हो पाया है। प्रोजेक्ट के तहत जवाहर सर्किल और मानसरोवर के बीच बने अंडरपास का लोकार्पण गत 15 मार्च को कर दिया गया। इसके बाद दुर्गापुरा और सांगानेर के बीच आवागमन के लिए चौराहे पर रैंप पर यातायात गत 30 मई को शुरू कर दिया गया। अब तीसरे चरण में चौराहे के दोनों तरफ बने क्लोवर लीफ भी आज यातायात के लिए शुरू कर दिए गए। प्रदेश में भाजपा सरकार के गठन के बाद इस प्रोजेक्ट को रिव्यू किया गया था। इसके चलते इस अंडरपास के दोनों तरफ प्रस्तावित विशाल गेटों का निर्माण नहीं करने का फैसला किया गया। इस कारण प्रोजेक्ट की लागत 155 करोड़ रुपए से घटकर 112 करोड़ रुपए रह गई है। इस ट्रैफिक सिग्नल फ्री चौराहे पर किस तरह यातायात की व्यवस्था लागू की गई है, इस पर नजर डालें तो इस चौराहे पर किसी भी दिशा से आने वाला यातायात किसी भी दिशा में निर्बाध रूप से जाएगा। जवाहर सर्किल से मानसरोवर एवं मानसरोवर से जवाहर सर्किल की तरफ जाने वाला यातायात अंडरपास का उपयोग पहले से कर रहा है। सांगानेर की ओर से आने वाला यातायात बाईं ओर मानसरोवर की तरफ एवं सीधा जयपुर शहर की तरफ जाएगा। इसके अतिरिक्त क्लोवर लीफ का उपयोग करते हुए जवाहर सर्किल एवं जगतपुरा की ओर जाएगा। दुर्गापुरा की ओर से आने वाला यातायात सीधा सांगानेर की तरफ जाएगा, मानसरोवर के लिए क्लोवर लीफ का उपयोग करते हुए जाएगा। मानसरोवर से आने वाला यातायात क्लोवर लीफ का उपयोग करते हुए सांगानेर की तरफ जाएगा। तो एरियल व्यू बना के और इसके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हर न्यूज चैनल के ऊपर और न्यूज पेपर में भी दिए जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से न्यूज पेपर में इसके लिए चल रहा है। इसके लिए हमने साइनेज बोर्ड प्रॉपर लगा दिए, जहाँ जहाँ भी इनकी स्टार्ट है, जहाँ अप कर रहे हैं वहाँ इनको डायरेक्शन पूरा दिया हुआ है। बी2 बाईपास जंक्शन टोंक रोड पर एक प्रमुख जंक्शन है जो कि दुर्गापुरा को सांगानेर, प्रताप नगर एवं सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त ये जंक्शन होटल, वैवाहिक स्थल, व्यावसायिक क्षेत्र, हॉस्पिटल एवं हवाई अड्डे आदि स्थित है। वर्तमान में इस जंक्शन पर व्यस्ततम समय में ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या रहती है, जिससे समय के साथ साथ ईंधन की भी बर्बादी होती है। इसके समाधान के लिए JDA द्वारा बी2 बाईपास चौराहे को ट्रैफिक सिग्नल मुक्त जंक्शन बनाया गया है। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।